हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग तो आज टेन मिनट रिवीजन सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट बड़ा चैप्टर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट फाइनेंशियल मार्केट दोनों कवर करके पंद्रह नंबर का आता है मैं पूरी कोशिश करूंगा हर एक टॉपिक को डिस्कस करूं भले ही थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाए तो प्लीज सपोर्ट करना एंड तक देखना कंप्लीट चैप्टर अभी हम आज रिविजन करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है पहला है फाइनेंशियल दूसरा है मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है फाइनेंस फाइनेंस रहेगा क्लास तभी बिजनेस को एक्सपैंड किया जा सकेगा बिजनेस को ऑपरेट किया जा सकेगा उस फाइनेंस को मैनेज करना ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाता है तो सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेफर्स टू एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस जितना पैसा चाहिए उतना लो ना ज्यादा ना कम उसका सही से यूटिलाइजेशन करो उसको सही से डिस्ट्रीब्यूट करो और जो पैसा बचे उससे क्लास कंपनी को स्मूथली चलाओ सो दैट सबकी सैलरी भी चली जाए सारा पैसा टाइम पर आ जाए पैसों से रिलेटेड कोई भी दिक्कत ना हो इस तरीके से उसको सही से मैनेज करके चलो मैनेजमेंट रिलेटिंग टू फाइनेंस इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन शॉर्ट में आप कह सकते हो और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है शेयर होल्डर्स के वेल्थ को इंक्रीज करना आप सबको पता है कंपनी में जो ओनर होते हैं वो होते हैं शेयर होल्डर्स और शेयर होल्डर्स का वेल्थ अगर इंक्रीज़ करेगा तो कंपनी के शेयर प्राइस बढ़ेंगे मेरा एक शेयर सौ का था आज दो का है तो मेरा इन वेल्थ डबल हो गया इससे क्या होगा कंपनी के लिए भरोसा और बढ़ेगा लोग और इन्वेस्ट करेंगे कंपनी और तरक्की करेगी और पैसा मिलेगा तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो शेयर होल्डर के वेल्थ को इंक्रीज़ करना है जैसे ही हम शेयर होल्डर के वेल्थ को इंक्रीज करेंगे अपने आप ही हमारे कुछ और ऑब्जेक्टिव पूरे हो जाएंगे जैसे हमको फायदा तो होगा ही होगा फंड्स को सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे सही से पैसे मेंटेन कर पाएंगे लिक्विडिटी मेंटेन

जो अगर फाइनेंस के रिगार्डिंग करते हैं कि हमें कितना पैसा चाहिए होगा कितने पैसे की कि हमें फ्यूचर में रिक्वायरमेंट होगी हम कहां कहां इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हमारी कहां कहां पे है कहां कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे जब हम इन सारी चीजें एडवांस में प्लान कर लेते हैं तो इसी को कहते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग इट मींस डिसाइडिंग इन एडवांस तुम्हें कितना खर्च करना है कहां पर खर्च करना है जितना तुम्हारे पास पैसा है उसके रिगार्डिंग तो इसके अंदर कुछ डिसीजन आते हैं सबसे पहला तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है कि तुम्हें पब्लिक से उठाना है मार्केट से उठाना है तो तुम्हें कितना पैसा चाहिए ज्यादा पैसा उठा ले तो बेमतलब का ब्याज भरना पड़ेगा

स्ट्रक्चर बेटा कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है तुम कितना पैसा डेट से उठाओगे कितना पैसा इक्विटी कितना ओनर फंड होगा और कितना पैसा बोरोड फंड कितना उधार लोगे कितना खुद का पैसा लगाओगे ये भी तुम डिसाइड कर सकते हो फाइनेंशियल प्लानिंग करने से तुम पैसा सही प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हो ये तुम्हारी मदद करता है ताकि तुम फंड्स को जो राइट right प्रोजेक्ट है उसमें इन्वेस्ट करो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस ऑब्वियसली क्लास पैसों का सही से यूटिलाइजेशन होगा कोई बिजनेस सरप्राइज कोई शॉक आपको नहीं लगेगा अगर आपने पहले से प्लानिंग कर रखा है तो फ्यूचर में आने वाली अनसर्टिनिटी का भी आपने ध्यान रखा होगा तो अचानक से तुम्हें झटका शॉक नहीं लेगा पहले से रेडी रहोगे और ये आज की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को फ्यूचर की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट से जोड़ता है कि आज तो हमें इतना पैसा चाहिए सर्वाइवल के लिए लेकिन आज से दस साल बाद हमें कितना पैसा चाहिए आज आपकी पॉकेट मनी सौ पर दस बाद सौ नहीं होगी वो मे भी दो सौ ढाई सौ हो ठीक है नेक्स्ट है फाइनेंशियल डिसीजन इस पूरे चैप्टर में इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा पक्का आएगा एनी वन टॉपिक या तो इन्वेस्टिंग डिसीजन जिसको कैपिटल बस्टिंग डिसीजन भी कहते हैं दूसरा है क्लास फाइनेंसिंग डिसीजन तीसरा है डिवेंट डिसीजन इनके फैक्टर अफेक्टिंग से क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है इसलिए इस साल भी आएगा तो ध्यान से समझना मैं एक ही करके सारे बता रहा हूँ इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब क्या है आपको ये जो पैसा मिला है पब्लिक से जो पैसा आपने इकट्ठा किया है आप इसे कहाँ पर इन्वेस्ट करोगे कहाँ पर आप पैसा खर्च करोगे किस प्रोजेक्ट में लगाओगे रिलायंस ने जियो पे लगाया ऐसे आप कौन से इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में पैसा लगाओ होगे उसका केयरफुल सिलेक्शन करना ही इन्वेस्टमेंट डिसीजन है कौन-कौन से फैक्टर्स अफेक्टिंग है इन्वेस्टमेंट डिसीजन के सबसे पहला कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट आपने किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा लगाया तो उसमें सबसे बड़ी चीज जो होती है कैश फ्लो उस प्रोजेक्ट में डे टू डे बेसिस पे भी कुछ खर्चा होगा अगर तुम्हारे पास उस खर्चे को झेलने के लिए है कैपेसिटी है कैश है तो तुम वहां इन्वेस्ट करो अदरवाइज तुम मत करो हाथी पाल लोगे तुम चारा डाल नहीं पाओगे तो हाथी पालने का कोई फायदा नहीं दूसरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हर इन्वेस्टमेंट में एक रिटर्न होता है आप कंपेयर करो जहां रिटर्न ज्यादा होगा वहां इन्वेस्ट करोगे तीसरा है रिस्क इन्वॉल्व हर इन्वेस्टमेंट में एक रिस्क भी छुपा होता है तो देखो क्लास कंपेयर करो रिस्क को जहां रिस्क सबसे कम हो आप वहां पर इन्वेस्ट करो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वेस्टमेंट तो आपने कर दिया उसका रॉ मटेरियल तुम्हारे देश में अवेलेबल है कि नहीं उसके लिए क्लास जो इंजीनियर्स चाहिए अगर खराब हो गया मशीनरी रिपेयर मेंटेनेंस वो तुम पा सकते हो कि नहीं ये सारी चीजें क्लास आप देख लो दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया क्योंकि इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है वो इरिवर्सिबल डिसीजन है एक बार आपने डिसीजन ले लिया तो आप डिसीजन को वापस नहीं ले सकते तो सोच समझ के आपने डिसीजन लेना है अब बात करते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन कितना पैसा तुम्हें डेट में लगाना है डेट से लेना है कितना पैसा इक्विटी मुझे सौ करोड़ रुपए की ज़रूरत है बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए तो मैं कितना डेट से लूँगा कितना इक्विटी से मतलब कितने शेयर इशू करूँगा कितने डिबेंचर इशू करूँगा इस चीज़ का चयन करता है फाइनेंस मैनेजर तो फाइनेंस मैनेजर हमेशा दिमाग में रखता है इस चीज़ को कितना पैसा किस सोर्स से उठाए एंड दिस डिसीजन इज़ कॉल्ड फाइनेंसिंग डिसीजन जो डेट फंड होता है ना उसको बोलते हैं बोरोड फंड डेट का मतलब लोन्स डिबेंचर आपने उधार लिया पब्लिक से ओनर फंड का मतलब क्या है शेयर्स आपने शेयर इशू किया ओनर फंड से कितना पैसा लेना है बोरोड फंड से कितना लेना है इस चीज़ को डिसाइड करना ही फाइनेंशियल फाइनेंस मैनेजर का काम होता है और ये दो तरह के सोर्स होते हैं तो कौन सा सोर्स हम यूटिलाइज करेंगे किस सोर्स से पैसा उठाएंगे उसके लिए कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग है सबसे पहला है कॉस्ट देखो यार हर सोर्स का अपना खर्चा आता है अगर हम डेट से पैसा रेज करते हैं इक्विटी से पैसा रेज करते हैं दोनों में अपना अपना खर्चा आता है हाफ कॉस्ट कंपेयर करो किसका कॉस्ट कम आता है वैसा पैसा वहीं से रेज करो रिस्क कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा मोर रिस्क इज एसोसिएटेड विथ डेट फंड डिबेंचर्स क्यों क्योंकि तुम्हें ब्याज देना ही देना है चाहे कंपनी चले ना चले फायदा हो चाहे ना हो नुकसान में जा रहे हो भैया ब्याज देना ही देना है तो अगर तुम जानते हो कि तुम्हारे पास अच्छा खासा पैसा है तुम ब्याज भर सकते हो तुम डेट इशू करोगे अदरवाइज तुम इक्विटी इशू करोगे इक्विटी का मतलब क्या है कि तुम मालिक बन गए मुझे फायदा तुम्हें फायदा मुझे घटा तुम्हें घटा डेट का मतलब क्या मैंने तुमसे उधार लिया है तो मैं कमाऊ चाहे ना मैं ब्याज भरना पड़ेगा तो डेट इज मोर रिस्की एज कंपेयर टू कंपनी सॉरी कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से कैश फ्लो पोजीशन अगर तुम्हारे पास अच्छा खासा पैसा है तुम्हारे पास अच्छा खासा पैसा है तुम ब्याज भर सकते हो कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है तो डेट इशू करो यानी कि बोरोड फंड में जाओ लेकिन अगर तुम्हारे पास ब्याज भरने के लिए कैपेबल नहीं हो आप तो आप ओनर फंड यानी कि इक्विटी पर जाओ फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब शेयर इशू एक्सपेंस तो आप देखो क्लास शेयर्स को इशू करने में काफी खर्चा आता है शेयर इशू करने के लिए प्रोस्पेक्ट से खर्चा आता है उसके अलावा क्लास अंडर खर्चा आता है ब्रोकरेज है एडवर्टाइजमेंट है बहुत सारे खर्चे हैं तो आप कंपेयर करो कि शेयर इशू करने में कितना खर्चा आ रहा है डिवेंचर इशू करने में कितना खर्चा आ रहा है और दोनों में जो फ्लोटेशन कॉस्ट जिसका कम होगा आप वहां पे जाओगे तीसरा स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है यानी बूम है इन्फ्लेशन यानी बूम कंट्री में अगर इन्फ्लेशन और बूम है उस सिचुएशन में लोग रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं आपको इस सिचुएशन में इक्विटी इशू करना चाहिए यानी कि ओनर फंड इशू करना चाहिए लेकिन कंट्री में डिफ्लेशन है मंदी है रिसेशन है तो भैया आपको डेट इशू करना चाहिए यहाँ पे लोगों का पैसा ज्यादा है लोग डिमांड कर रहे हैं दे कैन टेक रिस्क इक्विटी जब रिस्क नहीं ले सकते तो डेट जब तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा रहता है तब जुआ खेलते हो चलो कोई बात नहीं बहुत पैसा है तो यहाँ पे इक्विटी यहाँ पे डेट कंट्रोल कंसिडरेशन अगर आप चाहते हो कि तुम्हारी कंपनी का कंट्रोल तुम्हारे पास रहे तुम्हारा कंट्रोल किसी और के पास ना जाए तो डेट इश्यू करो अगर आप इक्विटी इशू करते हो तो आप ओनरशिप दे रहे हो अपना मालिकाना हक किसी को बेच रहे हो तो आपके पास कंट्रोल कहां रहेगा अगला है प्रॉपर फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर तुम्हारे पास पहले से बहुत सारा फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट है तुम्हें तुम्हारे सर पे पहले ही बहुत सारा ऐसा एक्सपेंस है जिसका तुम्हें ब्याज भरना ही भरना है जिसका खर्चा तुम्हें करना ही करना है फिक्स है तो भैया तुम इक्विटी इशू करो डेट इशू मत करो क्योंकि तुम्हारा ऑलरेडी फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है तो तुम और डेट इशू करोगे तो और फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगा वो बहुत टेंशन दे देगा आपको तो आप इस सिचुएशन में आप इक्विटी इशू करो थर्ड है डिविडेंट डिसीजन कितना पैसा पब्लिक को एज इन एज एन फॉर्म ऑफ डिविडेंट बांट दे और कितना पैसा रिटेन कर ले कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है उसके तीन हिस्से हो जाते हैं सबसे पहला हिस्सा कंपनी टैक्स दे देती है फिर थोड़ा हिस्सा जनता को बांट देती है थोड़ा बचा लेती है टैक्स तो देना ही देना है लेकिन कितना जनता को बांटना है कितना बचाना है इस डिसीजन को हम लोग बोलते हैं डिविडेंट डिसीजन इसके कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग है सबसे पहला फैक्टर अफेक्टिंग है क्लास अर्निंग अगर तुम्हारी अर्निंग अच्छी है अगर तुमने अच्छा खासा पैसा कमाया है तो डिविडेंट ज़्यादा दोगे अर्निंग अच्छी नहीं तो डिविडेंट अगला of earning. कुछ ऐसी कंपनी है जो चाहते हैं कि अर्निंग को जो स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग मतलब हर साल अच्छा पैसा कमा रहे हैं ऐसा नहीं कि अनस्टेबल है आज कमाया कल नहीं कमाया अगर तुम्हें पता है कि तुम हर साल अच्छा पैसा कमा रहे हो तो तुम डिविडेंड ज़्यादा बांटोगे अदरवाइज अनस्टेबल है तो डिविडेंड कम बांटोगे कैश फ्लो पोजिशन अगर तुम्हारी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है तुम्हारे पास कैश अच्छा खासा आ रहा है तो तुम डिविडेंड ज़्यादा बांटोगे अदरवाइज डिविडेंड कम बांटोगे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अगर तुम्हें लगता है कि फ्यूचर में कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है कल को हम इस प्रोजेक्ट में पैसा लगा सकते हैं तो तुम रिटेन ज्यादा करोगे बचाओगे ज़्यादा डिविडेंड कम बांटोगे तुमको पता है कल तुम्हें इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है तो तुम पैसा डिविडेंड के रूप में नहीं बांटोगे उसको री इन्वेस्ट करके और बड़ा करोगे सो दैट तुम कहीं इन्वेस्ट कर सको लाइक तुम्हें घर लेना होता है तुम इधर उधर खर्चे नहीं करते तुम्हारे घर वाले बोलते नहीं यार पैसे बचा के चलो तुम्हें हमें घर लेना है कल को चल के अगर ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है तो आप ज़्यादा डिविडेंड बांटो नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड कुछ ऐसी कंपनी है जो चाहते हैं कि यार हमारे जनता को डिविडेंड स्टेबल मिले ऐसा नहीं कभी डिविडेंड मिला कभी नहीं मिला और हम लोग भी आम इन्वेस्टर्स भी भरोसा उन्हीं कंपनी के ऊपर करते हैं जो हर साल डिविडेंड अच्छा दे रहे तो हमें पता है यार कंपनी बहुत स्टेबल है हर साल अच्छा डिविडेंड दे रही है तो अच्छी इमेज बनती है कंपनी की नाम रेपुटेशन गुडविल ऊपर बढ़ती है तो इस सिचुएशन में अगर तुम चाहते हो स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड है, तो डिविडेंड रखना चाहते हो तो डिविडेंड ज्यादा बांटो अदरवाइज डिविडेंड कम बांट सकते हो टैक्सेशन पॉलिसी अगर टैक्स रेट ज्यादा है तो तुम डिविडेंड कम बांटोगे डिविडेंड पे एक टैक्स जाता है इसको बोलते हैं डीडीटी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स टैक्स ज्यादा डिविडेंड कम उल्टा है टैक्स कम तो डिविडेंड ज्यादा नेक्स्ट है क्लास टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर्स बहुत सारी कंपनी में ना बूढ़े शेयर होल्डर होते हैं रिटायर एड ओल्ड एज के शेयर होल्डर्स तो यार उस सिचुएशन में उनको डिडीडी एक्सपेंस के लिए पैसा चाहिए होता है वो रिटायर लोग हैं तो उनको डिविडेंड ज्यादा बांटो अगर यंग एज के लोग हैं तो उनको डिविडेंड कम बांटो यंग एज के लोगों को इतना पैसे की जरूरत नहीं होती है वो लोग क्लास रिस्क ले सकते हैं लेकिन जो बूढ़े लोग हैं रिटायर्ड लोग हैं उनको डिविडेंड ज्यादा बांटो दिस इज कॉल्ड टाइप्स ऑफ शोल्डर्स अगला है फाइनेंशियल लिवरेज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्लासिक कहता है फाइनेंशियल लेवरेज कि आपके टोटल इक्विटी में मतलब जो आपका टोटल कैपिटल है उसमें से डेट कितना है तो डेट अपॉन टोटल इक्विटी दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी या फाइनेंशियल ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आराम से तसल्ली से समझो क्या है ये ये कहते हैं कि पहले दो चीजें देखो सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट दूसरा है रेट रेट सॉरी सबसे पहले ऑफ इंटरेस्ट दूसरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर मैंने कभी भी कहीं भी पैसा इन्वेस्ट किया उससे जो मुझे रिटर्न मिलेगा जो कमाई मिलेगी दैट इज कॉल्ड आर लेकिन अगर मैं किसी उदाहरण उधार ले रहा हूं तो मैं जिस रेट पर उधार ले रहा हूं दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आर ज्यादा है अगर तुम्हारी कंपनी का आर ज्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से मतलब मुझे रिटर्न मिल रहा है है मैंने सिर्फ उधार लिया है 9 पे, तो इस सिचुएशन में अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो तुम्हें डेट डेट में जाना है debt. कोशिश करो कि आप डेट इशू करो डिबेंचर इशू करो लोन लो इक्विटी मत इशू करो ईपीएस तुम्हारा इंक्रीज होगा अर्निंग पर शेयर तुम्हारा इंक्रीज होगा अगर तुम डेट इंक्रीज करो कैपिटल स्ट्रक्चर में तो अगर तुम्हारा आर ज्यादा है तुम जितना ज्यादा डेट लगाओगे ना बिजनेस में तो शेयर होल्डर्स के लिए उतनी अर्निंग पैदा होगी ईपीएस बढ़ेगा मोर विल रिजल्ट इनक्रीज इन अर्निंग लेकिन ये तभी होगा ये लाइन तभी होगा क्लास आर ओवाई ज्यादा है ओनली वेन रिटर्न ऑफ अर्निंग जो है आर ओआई मोर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट लेकिन अगर तुम्हारा आर वाई कम है रिटर्न तुम्हें मिल रहा है नौ परसेंट तुम उधार ले रहे हो बारह परसेंट पर तो बहुत बेवकूफ़ी है भैया कि मैं खुद उधार ले रहा हूँ बारह परसेंट पर और मैं कहीं लगा रहा हूँ वहाँ से मिल रहा है मुझे नौ परसेंट तो पागल होना भैया बारह परसेंट पर लेके सौ का सामान खरीद के अस्सी में कौन बेचता है समझ रहे हो बात को तो इस सिचुएशन में आप डेट मत इशू करो इस सिचुएशन में आप इक्विटी इशू करो ई अर्निंग होगा सॉरी ई जो है वो इंक्रीज़ होगा जैसे ही तुम इक्विटी इशू करोगे यानी कि अगर आर ज़्यादा तो डेट इशू करो आर कम तो इक्विटी इशू करो नेक्स्ट है कैपिटल स्ट्रक्चर आपने कितना पैसा डेट में लगाना है कितना पैसा इक्विटी में लगाना है दिस इज कॉल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर यानी कि जो मार्केट से आप पैसा उठाओगे आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर बनेगा वो डेट कितना होगा उसमें इक्विटी कितना होगा यानी डेट और इक्विटी का जो प्रपोर्शन है वो कितना होगा दिस इज कॉल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर आप सबको पता है कि डेट इक्विटी का जो आइडियल रेशियो होता है वो टू रेशियो वन होता है डेट जो है वो दुगना होना चाहिए किससे क्लास इक्विटी से इसी को बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर को ध्यान समझना जो आपने फाइनेंसिंग डिसीजन में पढ़ा था वो भी डेट अपॉन इक्विटी था कैपिटल स्ट्रक्चर में भी डेट अपॉन इक्विटी है तो दोनों कभी एक साथ नहीं आता लेकिन हाँ इनके पॉइंट्स काफी हद तक सिमिलर हैं सबसे पहला है कैश फ्लो पोजीशन अगर तुम्हारे पास अच्छा खासा कैश फ्लो पोजीशन है आप अच्छा खासा अर्निंग कमा रहे हो और आप इंटरेस्ट पे कर सकते हो तो आप डेट अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में ऐड करो अदरवाइज आप इक्विटी ऐड करो दूसरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भाई सीधी सी बात है अभी हमने देखा कि अगर आर ज्यादा है तो भैया आप डेट ऐड करो और अगर आर कम है तो आप इक्विटी ऐड करो जो हमने अभी देखा नेक्स्ट है क्लास कॉस्ट ऑफ डेट सीधी सी बात है डेट्स को अरेंज करने का काफ़ी खर्चा आता है तो अगर आप देखो कि जितने भी कॉस्ट है डेट का डेट को इशू कर डेट मतलब डिबेंचर इशू करने का जो कॉस्ट है अगर वो ज्यादा आ रहा है तो आप इक्विटी इशू करो अदरवाइज आप डेट इशू करो टैक्स रेट ऑब्वियसली टैक्स जो है वो डेट को चीपर बनाता है कभी भी अगर टैक्स रेट ज्यादा है बहुत ज्यादा टैक्स रेट है तो भैया आप डेट ज्यादा इशू करो आप डेट जितना इशू करोगे उतना ब्याज देना पड़ेगा और ब्याज क्या होता है पी एंड एल में डेबिट साइड आता है यानी आपके नेट प्रॉफिट को कम करेगा आपको कम अमाउंट पर टैक्स देना पड़ेगा भले ही रेट

करो जैसे ही डेट इशू करने से ईपीएस घटने लग जाता है तो भैया आप उस सिचुएशन में डेट इशू करना बंद करो इक्विटी इशू करना स्टार्ट करो कुल मिला के तब तक डेट आप इशू करते चले जाओ जब तक तुम्हारा ईपीएस बढ़ रहा है लेकिन जैसे डेट इशू करने से ईपीएस घट रहा है वहीं रुक जाओ फिर आप इक्विटी इशू करने लग जाओ फ्लोटिंग कॉस्ट किसी भी शेयर को इशू करने का कुछ खर्चा होता है डिवेंचर को इशू करने कुछ खर्चा होता है शेयर और डिबेंचर को इशू करने के बहुत खर्चे होते हैं जिसको बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट तो अगर आपका फ्लोटेशन कॉस्ट हाई है तो आप लोन

नेक्स्ट है रिस्क मैंने आपको बताया था मोर रिस्क इज एसोसिएटेड विथ बोरोड फंड यानी कि जो डिबेंचर है उस पर रिस्क ज्यादा है तो अगर आप देखो कि आप ब्याज भर सकते हो रिस्क को ऑप्टिमाइज कर सकते हो तो आप डेट इशू करो अदरवाइज इक्विटी स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट वही है अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है बूम पीरियड है तो डेट इशू इक्विटी इशू करो डिफ्लेशन रिसेशन है रिसेशन पीरियड है डिप्रेशन है तो भैया उस सिचुएशन में क्या इशू करोगे आप डेट यानी कि जब कंट्री में इन्फ्लेशन होता है लोग रिस्क लेने ले के लिए तैयार रहते हैं तो आप इक्विटी इशू कर दो इक्विटी रिस्की होता है इक्विटी में रिटर्न बहुत ज़्यादा मिलता है नुकसान बहुत ज्यादा होता है कंट्रोल अगर आप चाहते हो आप कंट्रोल अपने हाथ में रखो आपकी ओनरशिप अपने हाथ में रहे तो इक्विटी मत इशू करो इक्विटी ओनरशिप को खत्म कर देता है कम कर देता है आप डेट इशू करो अगर कंट्रोल नहीं रखना चाहते अपने हाथ में तो आप इक्विटी करो नेक्स्ट एक क्लास फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट यानी कि आपका जो फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जाता है बहुत सारे ऐसे आपके खर्चे हैं जो फिक्स हैं करने ही करने हैं हर साल आपको करने ही करना है एट एनी कॉस्ट या बहुत ज़्यादा ऑलरेडी आपने उधार ले रखा है तो और डेट इशू मत करो और फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगा तब आप इक्विटी इशू करो बट अगर आपका लो फिक्सड ऑपरेटिंग कॉस्ट है ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत कम है फिक्स फिक्स कॉस्ट बहुत कम है तो आप डेट इशू कर सकते हो नेक्स्ट है फिक्स कैपिटल किसी भी फिक्स असेट को खरीदने के लिए जो पैसा चाहिए in इन्वेस्ट करना, इन करना है तो जो मुझे पैसा चाहिए होगा, वो मुझे लंबे समय के लिए चाहिए होगा भैया बिल्डिंग खरीदने के लिए एक साल का छह महीने का लोन तो लूंगा नहीं दस साल बीस साल तीस साल का लोन लूंगा लेकिन अगर मुझे कोई रॉ मटेरियल खरीदना है तो मैं भी लोन में छह महीने साल भर का लूं तो फिक्स कैपिटल मतलब क्या है जब आप

अगर आप एक ट्रेडिंग कंपनी हो तो आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम है लेकिन अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो जो सामान बनाता है मैन्युफैक्चर करता है उनको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है उन्हें मशीन ज़्यादा लगानी पड़ती है अगला स्केल ऑफ ऑपरेशन बहुत सिंपल है अगर बड़े स्केल का बिजनेस है तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा चाहिए छोटे स्केल का बिजनेस है तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम चाहिए टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन अगर तुम लेबर इंटेंसिव यूज़ करते हो लेबर से काम करवाते हो तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी लेकिन अगर आप मशीन से काम करते हो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज करते हो तो आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी आप लंबे समय के लिए ज्यादा उधार लोगे टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन अगर आप ऐसी कंपनी हो जो टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना चाहते हैं नई नई टेक्नोलॉजी जैसी आती है अपने कंप्यूटर चेंज करते हैं सिस्टम को चेंज करते हैं टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करते हैं तो आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी अगर आप टेक्नोलॉजी को अपग्रेड नहीं करते वही पुरानी घटिया टेक्नोलॉजी को यूज करते आ रहे हो तो आपकी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट अगर आपको लग रहा है कल को तरक्की करने का मौका है तो आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी अगर कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दिख नहीं है सामने कहीं तरक्की करने का कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा तो आप ऐसे ही चलते रहोगे आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी असेट अवेलेबल ऑन लीज कई बार क्लास कंपनी असेट खरीदती नहीं है पे ले लेती है दो साल दस साल पंद्रह साल बीस साल के लिए किराए पे लीज पे तो अगर आपको लीज पे मिल जाता है किराए मिल जाता है तो खरीदने की जरूरत ही नहीं है कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम लेकिन अगर आपको लीज पे नहीं मिलता खरीदना ही पड़ता है तो फिक्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा कोलाबोरेशन और ज्वाइंट वेंचर अगर आप दूसरों के साथ मिलकर काम करते हो लैब करते हो दो कंपनी मिलकर काम करती है ज्वाइंट वेंचर एक साथ मिलकर कोई काम कर रहे हो कोई प्रोजेक्ट उठा रहे हो एक साथ मिलकर तो फिक्स की रिक्वायरमेंट कम होगी क्यों दोनों पैसा लगाएंगे लेकिन अगर आप अकेले काम कर रहे हो तो फिक्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी डायवर्सिफिकेशन अगर आप दस प्रोडक्ट बनाते हो ये भी बनाओ ये भी बनाओगे ये भी बनाओगे तो उन दस प्रोडक्ट को बनाने के लिए दस मशीन भी चाहिए आपको तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी और एक ही प्रोडक्ट बनाते हो डाइवर्सिफाई नहीं करते हो अपने बिजनेस को एक ही सामान में स्टिक हो तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी नेक्स्ट है वर्किंग कैपिटल बेसिकली वर्किंग कैपिटल मतलब वो पैसा जो बिजनेस को ऑपरेट डे टू डे डे टू डे में क्लास ऑपरेट करने के लिए जो पैसा चाहिए होता है दिस इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और जब हम इसे पैसा लेते हैं तो कम समय के लिए लेते हैं यानी कि अगर मुझे रॉ खरीदना है सैलरी देनी है वर्कर्स की छोटे मोटे एक्सपेंस करने हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो मैं क्या करूँगा क्लास कम समय के लिए उधार लूंगा दिस इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जिसका होता है करंट असेटेट ओवर करंट लाइबिलिटी अब वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पर अफेक्ट करता है यानी कौन कौन से फैक्टर्स है जो डिपेंड करता है जिससे कि हमें वर्किंग कैपिटल ज्यादा

अगर ऑपरेटिंग साइकिल बड़ा है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा है ऑपरेटिंग साइकिल छोटा है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम है नेचर ऑफ बिजनेस अगर आप एक रिटेलर हो तो आपको वर्किंग कैपिटल कम चाहिए छोटी दुकान है कम सामान मेंटेन करोगे लेकिन अगर आप एक होलसेलर हो तो आपको बहुत बड़े लार्ज पैमाने पर स्टॉक इकट्ठा करना है तो आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए स्केल ऑफ ऑपरेशन अगर आप छोटे लेवल पर काम कर रहे हो लो स्केल पर वो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए बड़े स्केल पर काम कर रहे हो बड़े स्तर पर काम है फैला हुआ व्यापार है कारोबार बड़ा है तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशन अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है लोग डिमांड ज्यादा करते हैं तो भैया आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए सो दैट आप सप्लाई बढ़ा सको लेकिन अगर कंट्री में डिफ्लेशन है लोग डिमांड ही नहीं कर रहे तो दुकान में माल भर के क्या करोगे वर्किंग कैपिटल क्या होगी क्लास कम होगी अगला है टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन एंड टेक्निक अगर आप नई नई टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करोगे तो भैया अगर आप नई नई टेक्नोलॉजी लगाओगे तो उससे क्या हो? खर्चा कम होगा आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी और अगर आप पुराने टेक्नोलॉजी लगा रहे हो तो आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी ग्रोथ प्रोस्पेक्टस अगर तुम्हें लग रहा है कल को तरक्की करने का मौका है तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए भाई तरह प्रोस्पेक्टस वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा अगर ग्रोथ प्रोस्पेक्टस नहीं है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम क्रेडिट अलाउड अगर तुम ग्राहक को उधार बेचते हो तो तुम्हें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी क्यों मैं सबको उधार बेच रहा हूं तो मेरे पास पैसे नहीं तो को को रहा रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी लेकिन अगर मैं नगद बेच रहा हूं मैं उधार नहीं दे रहा तो मुझे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी अवेलेबिलिटी अगर मुझे इजीली क्रेडिट मिल जाता है लंबे समय के लिए तो मुझे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी क्यों मैंने लंबे समय के लिए उधार ले लिया है। अब तो मैं बेचूंगा जो मेरे पास पैसा आएगा मैं उससे पेमेंट करता चला जाऊंगा तो मुझे इतना वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए लेकिन अगर मुझे लंबे समय के लिए उधार नहीं मिलता है तो भी मुझे बार बार वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी ज़्यादा होगी अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल अगर मार्केट में रॉ मटेरियल ईजीली अवेलेबल है तो मैं जब चाहूँ तब खरीद के ला सकता हूँ मुझे कोई टेंशन नहीं है वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी लेकिन अगर मार्केट में रॉ मटेरियल ईजीली अवेलेबल नहीं है तो मुझे मजबूरन तो मुझे मजबूरन क्लास इकट्ठा खरीद के बहुत सारा रॉ मेटल स्टॉक करके घर पे रखना पड़ेगा दुकान में रखना पड़ेगा बिजनेस में रखना पड़ेगा तो मुझे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी यानी इजीली अवेलेबल है तो लेस रिक्वायरमेंट इजिली अवेलेबल नहीं है तो मोर रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एक्सटेंट ऑफ कॉम्पिटिशन अगर मार्केट में बहुत सारा कॉम्पिटिशन है कंपटीशन बहुत ज्यादा है तो मुझे भी दुकान में माल भर भर के रखना पड़ेगा क्योंकि कंपटीशन क्यों क्यों बहुत ज्यादा भी ग्राहक कहीं और ना चला जाए तो मुझे दुकान में भर के माल रखना पड़ेगा मुझे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी लेकिन अगर मार्केट में कम्पिटिश नहीं तो मैं अकेला मालिक हूँ ग्राहक से भी बोलूंगा चार दिन बाद आना मैं मैं चार दिन बाद माल लेके आऊंगा तो भी ग्राहक चार दिन बाद आया क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी कम होगी ये है क्लास सारे के सारे फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल और यहाँ पे ये चैप्टर पूरा खत्म हो गया आई नो क्लास ये लास्ट के जो चैप्टर्स हैं बहुत बड़े बड़े हैं मैं किसी भी कीमत पर कोशिश करके इसे दस मिनट में समअप नहीं कर सकता क्लास को मेंटेन करते हुए फिर भी मैंने बहुत स्पीड से कोशिश करी है आपको सब कुछ अच्छे से रिवीजन कराने की आप बोलोगे मैं इन डेप्थ में एक बार डिटेल में और वन शॉट लेके आऊंगा बिफोर एग्जाम बस अपना प्यार अपना सपोर्ट बनाए रखना वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना शेयर करना बहुत मेहनत होती है इसके अंदर क्लास शुरू से लेकर एंड तक सपोर्ट जरूर करना एक शेयर आपका क्लास मुझे मोटिवेट करता है आपके लिए दिन रात और मेहनत करने के लिए